हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज मैं जो लेके आया वो है रेडमी नोट 10T, जो एक 5G फ़ोन है। और इसी फ़ोन को मैं आज आप लोगों के सामने अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, ठीक है? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं रेडमी नोट 10T का बॉक्स, जो पूरा का पूरा सील है, दोनों तरफ से सील है और बैक साइड में इसके स्पेसिफिकेशन है। तो मैं इसको अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ गाइस। तो आप देख सकते हैं मैंने कटर लिया और दोनों तरफ से इसको काट दिया, ठीक है? और अभी बक्सा खोलने जा रहा हूँ, जिसमें आपको क्या क्या निकलेगा सब मैं बताने जा रहा हूँ अब। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं मैंने बॉक्स को पूरा खोल दिया है और खोलने के बाद मुझे जो सबसे पहले मिला है वो है इस फ़ोन का केस। और ये केस जो है वो बहुत ही बढ़िया केस है, रबर का केस है। तो फ़िलहाल के लिए इसको मैं साइड में रख देता हूँ और दिखाता हूँ अंदर और क्या क्या है। तो इसके बाद मुझे जो रेडमी का नोट 10T है वो मिल गया और इसको मैं अभी साइड में रख देता हूँ। तो और इसके बाद जो है वो है चार्जर। तो ये चार्जर जो है ये 18 वाट का चार्जर है और केबल जो मिलता है वो टाइप सी केबल है, नॉर्मल वाला केबल नहीं है। इसके साथ आपको टाइप सी केबल मिलेगा। तो अभी मैं चार्जर और केबल दोनों को साइड में रख के आपको फ़ोन दिखा देता हूँ कि फ़ोन कैसा है और उसमें क्या क्या फीचर्स है। तो ठीक है, मैं आपको फ़ोन दिखाता हूँ कि कैसा है फ़ोन। तो गाइस, आप देख सकते हैं मैंने फ़ोन को निकाल लिया है और ये रहा फ़ोन का लुक्स, रेडमी नोट 10T 5G का लुक्स। बहुत ही शानदार लुक्स है। इसमें ब्लैक कलर का है जो मेरे पास है, ये ब्लैक कलर का है। इसका जो डिस्प्ले है वो पंच होल डिस्प्ले है, बहुत ही बड़ा डिस्प्ले है और फिंगरप्रिंट इसको इसका साइड में मिलेगा आपको। और डिस्प्ले का जो ब्राइटनेस है वो बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस है, बहुत ही कूल है, बहुत शानदार है। ये फ़ोन दिखने में बहुत अच्छा लगता है और पकड़ने में भी ये बहुत हल्का है। इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में बताना चाहता हूँ कि इसका जो बैटरी है वो 5000 mAh का बैटरी है और इसका चार्जर 18 वाट का चार्जर है। फिंगरप्रिंट इसका साइड में मिलेगा और इसका जो प्रोसेसर है वो डायमेंसिटी 700 प्रोसेसर है। गेमिंग के लिए तो बहुत ही बढ़िया है, एक 5G प्रोसेसर है और नेट बहुत ही फास्ट चलता है। अभी 5G तो आया नहीं है लेकिन जो 4G में चल रहा है वो भी बहुत ही फास्ट चल रहा है। कैमरा का बात करूँ तो बैक साइड में इसका 3 कैमरा मिल जाएगा आपको और फ्रंट में आपको 5 कैमरा तो मिल ही रहा है। नीचे के साइड में आप देख सकते हैं स्पीकर, माइक और आपका टाइप सी जो चार्जर है वो मिल जाएगा इसमें। तो बात करो तो इसमें आपको फुल HD का डिस्प्ले मिल रहा है और कैमरा जो है वो 48 MP बैक कैमरा है और 16 MP फ्रंट कैमरा है। आप देख सकते हैं मैंने 2-3 फ़ोटो खींचा है, बहुत ही क्लियर पिक्चर आया है और पंच होल कैमरा है ना, बहुत ही अच्छा लगता है इसमें दिखने में, बहुत ही अच्छा क्वालिटी का कैमरा है इसमें। और लुक्स का बात तो मैं क्या कहूँ, बहुत ही अच्छा लगा है मुझे। ब्लैक कलर में तो बहुत ही अच्छा लगा। इसका और भी कलर अवेलेबल है, वो आपको मिल जाएगा ऑनलाइन में। और इसका जो एंड्रॉयड वर्जन है वो एंड्रॉयड 11 है, ठीक है? और MIUI वर्जन है वो 12 है, MI 12 है। 4GB रैम और 64GB है। ऑक्टा कोर मैक्स 2.2 GHz का प्रोसेसर इसमें आपको मिल जाएगा 700 डायमेंसिटी के साथ। तो इसी के साथ गाइस, ये तो मुझे तो पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा है। आपको ये कैसा लगा है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरा वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबाइए। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपडेट मिलता रहेगा और नया नया वीडियो मैं लाता रहूँगा। इसी के साथ मैं वीडियो को यही समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया हो।